हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ग्रुप डी रेलवे NCHSL और मल्टी टास्किंग सब्जेक्ट जनरल नॉलेज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 4। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वाज। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। PK बनर्जी है, मिहिर सेन है, वी मार्चेंट है, आरती शाह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आरती शाह। आरती शाह ने ये फर्स्ट इंडियन वोमेन है टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वाज। वीमेन यहाँ पर छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO वाज। तो हमर्स को के जॉइड है, ट्रेगेब्लाई है, यू टेंट है और काउंट बर्नो डॉट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रेगेब्लाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सॉन्ग बंदे मातरम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन असामीज, बंगाली, हिंदी, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बंगाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट वीमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज। नरगिस दास, समाना आजमी, मधुबाला, मीना कुमारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड। अवार्ड इंदिरा गांधी, TN Sessions, किरण बेदी, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज नोन एज लेडी विद द लैंप। सरोजनी नायडू, जॉन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। पहले कलकत्ता, अभी जो है कलकत्ता भी है लेकिन यहाँ पर मुंबई सही है। अगर कलकत्ता भी ऑप्शन में रहेगा तो कलकत्ता पहले माना है, लेकिन कलकत्ता यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मुंबई सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट वीमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। नंदिनी सतपाथी, डॉक्टर जयललिता, सचिता कृपलानी, मायावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। हर्ट्ज, मैक्सवेल, मार्कोनी, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व फॉर 2 टर्म्स। यानी इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 2 टर्म्स सर्व की खिदमत की थी। एस राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 टर्म्स खिदमत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। जिनेवा, हेग, आम्स्टर्डम, वियना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेग। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। इज मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, वन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर। हु अमंग द, यहाँ पर इज नहीं होगा, हु अमंग द फर्स्ट इंडियन एशियन नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लूप ऑफ द वर्ल्ड इज पामी प्लेटू, हिंदुकुश, माउंटेन, द हिमालय, नॉन ऑफ दी। तो रूप ऑफ दी यानी टिबेटन प्लेटू जो होता है रूप ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, टिबेटन प्लेटू। इसको पामी प्लेटू भी कहते हैं, याद रखें, टिबेटन प्लेटू।
क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज, यानी दुनिया की सबसे पहली जो प्राइम मिनिस्टर कौन थी, एस भद्रनायके, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एस भद्रनायके। ये श्रीलंका के थी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यूरानस, प्लेटो, मार्स, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्लेटो। अभी मरकरी है, मौजूदा में मरकरी है, क्योंकि प्लेटो को हटा दिया गया, नेपच्यून और प्लेटो को हटा दिया गया है, इसीलिए जो है अभी 8 प्लैनेट्स मौजूदा में है जिसमें मरकरी सबसे छोटा सैयार है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया, यानी रकबा के लिहाज से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, गोवा, सिक्किम, यूपी, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोवा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल, कोसी, दामोदर, हुगली, गंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि, सतलेज, झेलम, चेनब। यानी श्रीनगर किस नदी के किनारे आबाद है, रवि, सतलेज, झेलम, चेनब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झेलम नदी के किनारे आबाद है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइग्रिस रिवर फ्लोज मेनली थ्रू, टाइग्रिस रिवर जो है वो बहती है किसके थ्रू, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रोट पैराडाइज लोस्ट, यानी पैराडाइज लोस्ट किताब जो है किसने लिखी थी, सोफोकल्स, हुमर, डांटे, मिल्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए टीम ऑफ बास्केटबॉल कंसिस्ट ऑफ, यानी बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स, 19 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स, 8 प्लेयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 प्लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल वाज, कामरूपा, गौदा, वारसा, वैलवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गौदा जो है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विथ बास्केटबॉल, स्नूकर, स्विमिंग, याचिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू विन ओलंपिक मेडल इज, आरती शाह, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, के मलेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, के मलेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जापान। लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से कौन सा मुल्क जाना है, जापान। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज कॉल्ड कांग्रेस, संसद, मजलिस, जातीय संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जातीय संसद। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, जेम्स वाट, आइंस्टाइन, रुडोल्फ डीजल, फॉल्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र के राइटर का नाम क्या है, विष्णु शर्मा है, रघुवंशा है, अश्वघोष है, पतंजलि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, बेंगलुरु, कोयम्बटोर, खरगवासला, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खरगवासला जो है ये पुणे में है। तो वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, खरगवासला ये पुणे में है, इसलिए वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइकल फेरेरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स, माइकल फेरेरा
इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। माइकल फेरेरा का ताल्लुक इनमें से किस गेम्स के साथ? चेस है, स्नूकर है, गल्फ है, नॉन ऑफ दीज। गल्फ है और नॉन ऑफ दीज है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर नॉन ऑफ दीज। बिलियर्ड्स के साथ उनका ताल्लुक था। बिलियर्ड्स एक गेम होता है जो स्टिक से खेला जाता है, उसके साथ उनका ताल्लुक था। तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगे, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए।